बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब खान और मौजूद हूं आज दीरकोट के नवाई सियाती मकाम टोपा टॉप में। ये एक खूबसूरत सियाती मेला हो रहा है जिसमें मकामी लोगों ने बड़ा रोल अदा किया है, मकामी इंतजामिया का रोल है, पुलिस का रोल है, और इस हवाले से आज ख़वातीन से भी बात करेंगे जिनकी बड़ी तादाद यहाँ मेले में शरीक हैं, और उसके साथ साथ आपको दिखाएंगे पैराग्लाइडिंग भी। आपने हमारे साथ रहना। नाज़रीन, दीरकोट के टोपा टॉप के खूबसूरत सियाती मकाम में मैं मौजूद हूँ, और एक तरफ मर्द हज़रात हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, और एक तरफ हमारी ये बहनें हैं। ये बड़ी तादाद में यहाँ इस फेस्टिवल में शरीक हुई हैं, और ये इनकी खुशी दीदनी है, और ये जो खुशी है सियात के हवाले से, मैं आज़ाद कश्मीर का ये पहला सियाती मकाम है कि मकामी तौर पे इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है ख़वातीन के हवाले से। एक हमारी बहन है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ताइबा मकबूल। ताइबा, क्या कहेंगी कि ये आज़ाद कश्मीर का वाहिद इलाका है, दूर दराज है, पैदल सफ़र करके आप इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन का आना, क्या आप कहती हैं इसको, क्या नाम देती हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी आप लोगों का, पीटीवी न्यूज़ का, कि आप लोग इतने दूर से यहाँ पे एक दूर दराज इलाके में सफ़र करके आए। मुश्किलात हैं यहाँ पे, रोड का मसला है, लेकिन हमारे ये इलाके का फर्स्ट टाइम ये एक फेस्टिवल है, और हम लोग चाहते थे कि हम इसको भरपूर तरीके से शिरकत करके इसको कामयाब बनाएं, ताकि हमारा इलाका डेवलप हो सके, इसमें फेस्टिवल को हम डेवलप कर सकें, इसको प्रमोट कर सकें, ताकि हमारे लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम हो सकें ये फेस्टिवल की वजह से। जी, अच्छा, आपके जज्बे क्या कहते हैं कि ये जो पार्टिसिपेशन है आने वाले अरसे में, आप क्या समझती हैं कि जो ये इलाके पसमानदा हैं, इनको आप समझती नहीं है कि पसमानदगी भी दूर होगी और ये तरक्की की तरफ गामजन होंगे? जी बिल्कुल, ये एक ऐसा एक जो इवेंट यहाँ पे मैनेज हुआ है, इससे आप आज ही देखें कि कितनी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, और यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, गरीब लोग यहाँ पे स्टॉल्स लगा रहे हैं, तो एक हमारी जो गुर्बत है उसको भी खत्म करने का ये जरिया बनेगा, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में इसको मजीद बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह की खवातीन हो तो यकीनन इन इलाकों को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। और एक और खातून है मेरे साथ, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके जज्बे क्या कहते हैं, क्या कहेंगी कि आपके जो जज्बे हैं वो क्या कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पसमानदा तरीन इलाके में आना, क्या आपके जज्बे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो इधर फेस्टिवल का इनकार किया गया, और एक कसीर तादाद में आप देख रहे हैं कि ख्वातीन हज़रात मौजूद है, बल्कि ख्वातीन की जो अक्सरियत है, तो ये इस बात का सबूत है कि अगर यहाँ गवर्नमेंट टूरिज्म को जो तो प्रमोट करे, यहाँ इस तरह के टूरिस्ट रिसॉर्ट बने, पार्क हो, इस तरह की फैसिलिटीज़ हो, तो इकॉनमी डेवलप होगी, मेन चीज़ जो है लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, पूरी दुनिया से लोग यहाँ जो है तो सैर के लिए आएंगे। सियात के लिए लोग उसी वक्त आएंगे जब यहाँ सहूलतें होंगी, जब रेस्ट हाउसेज अच्छे होंगे, सड़कें अच्छी होंगी, तो यकीनन लोगों की बड़ी तादाद इन इलाकों में आएगी, यहाँ क़याम पज़ीर होंगे, लोग लोकल खुराक यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहती हैं कि इस तरह का जो मेला है कभी आपने ज़िंदगी में देखा? नहीं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, कम अज़ कम आज़ाद कश्मीर में तो हमें नहीं ऐसा मिला, तो ये बहुत टूरिज़म के लिए बहुत अच्छा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ सिर्फ फैसिलिटीज़ की कमी है, ना ही टैलेंट की कमी है, आज़ाद कश्मीर में टैलेंट भी बहुत है और खूबसूरती भी बहुत है, तो प्लीज़ मैं ऑर्गेनाइज़र के लिए भी उनका शुक्रिया भी अदा करूँगी कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, और मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें हमारे इलाके में सिर्फ फैसिलिटीज़ अगर दे दें तो ये बहुत ज़्यादा टूरिज़म आएगा, और इससे हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया। रोज़गार भी मिलेगा, सियात की जो प्रमोशन होती है वो ज़ाहिर है कि आप यहाँ लोकल लोगों को रोज़गार मिल सकता है। एक और खातून मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? आसमान सर नाम है। आसमान, आप क्या कहती हैं कि इतनी बड़ी तादाद इस इलाके में जो आई है, आप क्या कहेंगी, हुकूमत से मुतालबा क्या करेंगी
और सियात के कोई नुमाइंदे की यहाँ शिरकत नहीं है, क्या कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारी इंतजामिया ने लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और बहुत अच्छा जो है। लेकिन हुकूमत से ये अपील है कि ऐसे प्रोग्राम करवाए जाएं, ऐसे फेस्टिवल करवाए जाएं और सियात के जो लोग हैं उनको भी भेजा जाए ताकि आगे प्रमोट हो सके हमारी ये चीज़। और देखिए आप जो जिस तरह लोग हैं यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे तो इनका जो है रोज़गार का ये मौका है बहुत अच्छा है। तो मैं कहती हूँ कि हुकूमत को हमारा साथ देना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहिए, हमारी इंतजामिया के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम मज़ीद अच्छी बेहतरी आए और मज़ीद अच्छे प्रोग्राम और मजीद फेस्टिवल करवाए जा सके। जबरदस्त, आप क्या तजवीज देंगी हुकूमत आजाद कश्मीर को और इन्वेस्टर्स को, आपका मैसेज क्या होगा? जी सबसे पहले तो मैं इंतजामिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक अच्छा फेस्टिवल का इनकार किया है। यकीनन ये वक्त की ज़रूरत भी थी क्योंकि महंगाई के इस दौर में जो आवाम जो महंगाई के पीछे हुए हैं वो मेंटली तौर पे रिफ़्रेश हो जाएंगे। और सेकंडली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर रोड का अच्छा खासा वो जो है इंतज़ाम होना चाहिए, कच्ची रोड है, रास्ते पक्के होने चाहिए, इतनी अच्छी नेचुरली ब्यूटी है ये, जिस तरह से मतलब कि गंगा चोटी और तोली पीर का मकाम है ऐसे ही ये भी है। और इसमें हुकूमत का आवाम के साथ तावन करना चाहिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आएँ और यहाँ की सियाहत को फ़रोग मिले। और इस इलाके को बहुत पहले थे फेस्टिवल करवाने चाहिए थे, ये तो बहुत लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे नेचुरली ब्यूटी भी है और अवामी इलाका का बहुत ज़्यादा तावन भी है और इतने लोग यहाँ पर गैदरिंग है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही फेस्टिवल यहाँ पर होते रहेंगे। एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? जुनेश जमीर। आप क्या कहती हो कि ये जो जज्बा इस जंगल में नजर आ रहा है लोगों का, ख्वातीन का, बच्चों बच्चियों का, क्या कहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। आप हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगी? यस, यहाँ मेला लगना चाहिए। आई फील वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली दफा कश्मीर में ऐसा काम हुआ है और मैं चाहती हूँ कि कश्मीर में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती रहे, इस तरह की सियाहत की प्रमोशन होती रहे। बेटा आप क्या कहते हैं? मैं भी यही कहती हूँ कि इसकी वजह से हमारा दिरकोट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इसकी वजह से हमारे दिरकोट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे दिरकोट को बहुत सारे लोग जान पा रहे हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था ना, इससे पहले दिरकोट को बहुत सारे लोग जानते नहीं थे, इस फेस्टिवल की वजह से बहुत सारे लोग हमारे दिरकोट को जान पाएंगे। और आप बच्चियों ने, आप यहाँ की खवातीन ने एक तारीख रकम कर दी है कि आप लोग बाहर निकली हैं अपने इलाके की प्रमोशन के लिए, आप क्या कहेंगी यहाँ जो शरीक खवातीन है उनको, मैसेज आपका क्या होगा? जी बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आना चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम मजीद होने चाहिए ताकि यहाँ की जो खवातीन है सारे बाहर निकलने का मौका मिलना चाहिए सबको, बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त। आपका मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज ये है कि इसी तरह होना चाहिए ताकि हमारे इलाके को प्रमोशन मिले और लोग जहाँ से यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा तरह आए। अच्छा, आप लोगों को कैसे दावत देंगी कि ये खूबसूरत नज़ारे हैं? इन खूबसूरत नज़ारों के हवाले से मैं अगर आपसे पूछूं कि पाकिस्तान के लोगों को आप दावत दें तो कैसे देंगे? वैसे यहाँ पे हमारे कश्मीर में तो बहुत सी जगह हैं, पाकिस्तान के अलावा भी इधर बहुत खूबसूरत जगह हैं, अगर पाकिस्तान के लोग इधर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर कश्मीर के लोग जो है पहली दफ़ा इधर फेस्टिवल हो रहा है, अगर इधर फेस्टिवल होंगे तो वो बहुत से लोग आएंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ लोगों की मेहमान नवाजी के हवाले से मैं अगर आपसे पूछूँ तो क्या कहेंगे? मैं ये ना कहना चाहती हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जब इधर कोई प्रोग्राम होता है या कोई किसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, और जहाँ यहाँ के लोगों को चाहिए कि जब इस कश्मीर की खूबसूरती के वाले से बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज जो लोग होते हैं जो यहाँ आते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए कि जब हम दूसरों की इज्जत करेंगे तो वो भी हमें इज्जत देंगे और हमें ऐसे प्रोग्राम में आना चाहिए और खूब इंजॉय करना चाहिए। छोटी सी क्यूट सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दुआ फातिमा। आप क्या कहती हो कि ये जो खूबसूरत मेला सजा इस जंगल में, क्या नाम दोगी, क्या कहोगी? बहुत अच्छा लगा, ऐसे और भी यहाँ पर फेस्टिवल होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कहती हो कि इस तरह का मेला हर साल आना चाहिए? जी।
आपका जज्बा क्या है और आप पाकिस्तान के लोगों को इस खूबसूरत सियाती मकाम से पैगाम क्या देंगे? फिलहाल मेरा जज्बा तो ये है, कश्मीर मेरा जज्बा है, नथिंग और कुछ भी, लेकिन ये है कि मैं पाकिस्तान के लोगों से यही कहूँगी कि आओ देखो कि हम लोगों ने अपने इलाके की कितनी खूबसूरती बना के रखी हुई है, किस कदर हमने अपने जंगलात की डेवलपमेंट करके रखी हुई है। आप आएँ, अपने यहाँ पे ग्रीनरी देखें और देखें, यहाँ पे आएँ और खुद लुत्फ उठाएँ, यहाँ के लोगों की मोहब्बतें देखें, वो किस तरह आप लोगों को इस खूबसूरत एरिया से मुतारफ करवाते हैं। ऐसे फेस्टिवल्स हमारे यहाँ पे होने चाहिए दैट कैन इनहेंस द कॉन्फिडेंस लेवल एंड बूस्ट अप द किड्स एंड दे कैन ग्रूम अप, सो दिस इज द गुड थिंग एंड वी होप दैट इंशाल्लाह इन फ्यूचर इट विल बी हेल्ड ऑन मोर। ठीक है, अच्छा आप पाकिस्तान भर के लोगों को, खवातीन को, बच्चों को मैसेज क्या दें? मेरी तरफ से तमाम जो मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं स्पेशली आउट ऑफ कश्मीर और तमाम कश्मीर के दूर दराज इलाकों से, सबसे पहले मैं उनको हार्टली वेलकम जो एक्सटेंड करती हूँ तमाम अपने स्कूल की तरफ से और तमाम जितने भी गेस्ट यहाँ पे उनकी तरफ से। ठीक है, इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं, सबसे पहले जिस तरह का इन्वायरमेंट आजकल चल रहा है, टेंशन वाला एक माहौल है, तो उस चीज़ को जो है ना, उस चीज़ से निकलने के लिए इस तरह के फेस्टिवल्स हमें सेलिब्रेट करने चाहिए। एंड सेकेंडली, इस तरह के फेस्टिवल्स जो बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको बूस्ट अप करते हैं। आप इन नज़ारों को नाम क्या देंगे? इन नज़ारों को मैं आज के जो नज़ारे जन्नत नज़ीर, इससे बड़ी और इससे ज़्यादा और मैं क्या नाम दे सकती हूँ। मैं कश्मीर के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, सबसे पहले जो उन लोगों ने इस फेस्टिवल को कामयाब बनाया उन लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ, और पाकिस्तान के लोगों को, जितने भी दूर दराज के इलाके से देखने वाले लोग हैं, उनको मैं ज़रूर अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और इस इलाके की खूबसूरती को आके एक्सप्लोर करें। यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए, आप जब भी आएँगे सबसे ज़्यादा इस इलाके की हॉस्पिटैलिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और इस इलाके की खूबसूरती इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी, और इस तरह के फेस्टिवल, और मैं उन लोगों को जिनने इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ, इतना शानदार, इतना कामयाब फेस्टिवल, और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई फेस्टिवल इस तरह का ऑर्गेनाइज होगा हम उसको जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं हम सपोर्ट करेंगे। सब क्या कहते हैं कि आप ये तसव्वुर कर सकते थे, कभी सोचा था कि इस तरीके से ये इतना बड़ा मेला सज जाएगा और कामयाब हो जाएगा? फॉर मी इट्स अ ड्रीम कमिंग ट्रू। हम बहुत अरसे से ख्वाब देख रहे थे कि इस इलाके को लोगों के सामने पेश करें, पूरे पाकिस्तान के सामने पेश करें, पूरे आज़ाद कश्मीर के सामने पेश करें, लोगों को पता चले कि ये जो हमारा छोटा सा खिता है देरकोट का, आज़ाद कश्मीर का छोटा सा खिता है, जिसमें बहुत खूबसूरत इलाके, बहुत बेहतरीन चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए हैं, और हम PTV के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी दूर से आए और इस हमारे बहुत दूर दराज इलाके को आगे पेश करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारा आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ जो क्राउड है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं सही कह रहा हूँ, हम इतना क्राउड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इन लोगों का बहुत शुक्रिया, ये सारे लोग जो बहुत दूर दूर से आए हैं और उन्होंने आके तो हमारे इस मेले को, ये जो फेस्टिवल है इसको उन्होंने रौनक बख्शी है, और मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि ये सारे लोग आज का ये जो इनका दिन है ये वन ऑफ देयर बेस्ट डे इन देयर लाइफ है, और बहुत बेहतरीन अंदाज में उन सब लोगों ने एंजॉय किया है। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त नाज़रीन, ये वो जज्बे हैं और ये वो लगन है कि इन इलाकों में रहने वाले बसने वालों की ये दिलचस्पी है, अपने इलाकों के साथ कमिटमेंट है, और अब पैराग्लाइडिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है। हम बढ़ेंगे पैराग्लाइडिंग की तरफ, आपको दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारे भी, और पैराग्लाइडर भी दिखाएंगे और पैराग्लाइडिंग भी दिखाएंगे और गुफ्तगू भी करेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, मेरे साथ पैराग्लाइडर मौजूद हैं और इनको देखने के लिए हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, मर्द, बुज़ुर्ग, बच्चे यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करें कि इनके जज्बे कैसे हैं और ये क्या फील करते हैं कि हज़ारों की तादाद में इस तरह का मजमा देख के, ये क्या इनकी फीलिंग्स हैं? अस्सलाम वालेकुम।
जी माशाल्लाह नई शहर है, यहाँ पहले लोगों ने ये ग्लाइडिंग नहीं देखी, तो आज हम इंशाल्लाह ये जगह अप्रूव करके जा रहे हैं कि यहाँ पे लोकल भी लोग फ्लाइंग करें, तो इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग भी देंगे इसके बाद इंशाल्लाह। लेकिन आप ने कभी आज़ाद कश्मीर में ये जो ट्रेंड नया आया है कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं आपकी हौसला अफजाई के लिए, कभी देखा है? जी फेस्टिवल तो माशाल्लाह कश्मीर में बहुत हुए हैं, रावलाकोट में, मुजफ्फराबाद में फेस्टिवल, साल में एक दो फेस्टिवल लाजमी होता है, तो इस तरह आवाम देखने के लिए आती है। इन जज्बों को आप क्या नाम देंगे? ये जो जज्बा बहुत है जी, बहुत अच्छा जज्बा है, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं लोग हमें, तो इंशाल्लाह हम भी इनको खुश करेंगे, इंशाल्लाह खुश करेंगे। आप क्या कहते हैं कि ये जो मंजर आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सियाती मकाम है, ये जो हाइट है और फिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, आप की फीलिंग्स क्या हैं, आपके जज्बे क्या हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इससे पहले भी हमने पहले तो बहुत फेस्टिवल ऐसे किए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि इतना लोगों का हजूम इकट्ठा होना और इतना शौक पैदा होना और देखने के लिए खवातीन आई हुई हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब आए हुए हैं, ऐसा मैंने मंजर पहले नहीं देखा, और इंशाल्लाह हम अपने स्केल के साथ इनको बहुत महसूस करेंगे। जबरदस्त। और इन लोगों को आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम होगा, क्या मैसेज होगा कि इतनी बड़ी तादाद में, देखें सड़क भी नहीं है, यहाँ रोड नहीं है, कोई उस तरीके से सहूलत नहीं है, और लोग बड़ी तादाद में मकामी सतह पे जिस तरीके से लोग उठे हैं, क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ऐसा कहना चाहूंगा कि देखें हम पाकिस्तान पूरे से फिर के कश्मीर आते हैं इस पैराग्लाइडिंग के लिए, इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग यहाँ रह के उनके घर के अंदर ये एक गेम जो है वो पॉपुलर हो सकती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग इसमें दिलचस्पी लें, बहुत अच्छे स्पॉट बने बनाए हैं, लैंडिंग एरिया बहुत अच्छी बनी बनाई है, और इस पर थोड़ी सी मेहनत करें और हमारी खिदमत हासिल करें, हम इंशाल्लाह एयरबोर्न एडवेंचर पाकिस्तान का मैं CM हूँ, और हमसे रब्ता करें, हम इन्हें ट्रेनिंग दें और इस मकाम पर लेके आए जहाँ पर आज हम इनकी खुशियों के लिए हम इनके साथ शरीक हुए। जो खुशियाँ हैं, इन खुशियों को आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं PTV की टीम को आमी के कल से शुक्रिया अदा करता हूं, और यहां दीरकोट की धरती में आपको वेलकम करते हैं। ये यकीनन एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, और इसका मकसद ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो खूबसूरती है अकवामे आलम के सामने उसको एक्सप्लोर करना है, ताकि लोगों का लोग आज़ाद कश्मीर की तरफ आए। एक तो ये है कि यहाँ की खूबसूरती के नक्श लेके जाएँ, और दूसरे यहाँ की मेहमानदारी और लोगों के जो अच्छे रवैये लेके जाएं। तो इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे लोग जितने भी देख रहे हैं आपकी वसादत से, वो नेक्स्ट टाइम, इस दफ़ा जो नहीं आ सका तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, इंशाल्लाह यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी भी मौजूद है, रिहाइश के भी बेहतरीन इंतजाम हैं, और ये बिल्कुल पिंडी इस्लामाबाद के करीब तरीन इलाका है, 135 किलोमीटर इस्लामाबाद से ये यहाँ पर वाक़ है, और दीरकोट मरकज से ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले पर है, इतनी नज़दीक जगह पिंडी इस्लामाबाद से कहीं और कोई भी नहीं है। तो यहाँ इंशाल्लाह आएंगे, जैसे आपने देखा है कि यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ भी हैं और बाकी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे है, अमन अमन अमा के हवाले से यहाँ हमारा बड़ा पुरमन है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म के नाखुशगवार वाकात नहीं होते, यहाँ चोरी चकारी या इस तरह के लूट मार के कोई वाकात नहीं है, तो सयाह जो है ना खुले दिल से यहाँ पे वो तशरीफ़ लाएँ। एक तो ये होगा कि कश्मीर एक्सप्लोर होगा, और दूसरा यह है कि सैयों के आने की वजह से आज़ाद कश्मीर इकोनॉमिकली तौर पे भी मजबूत होगा। सही बात है, ज़बरदस्त आपने पैगाम दिया है, और इस्लामाबाद से ये जो इलाका है 130 किलोमीटर के फासले पे है, यहाँ के लोग और ये खूबसूरत नज़ारे सयाहों के मुंतजर हैं कि लोग आएँ, इन नज़ारों से महजूज हूँ, ये लोग मेहमान नवाजी में अपनी मिसाल आप हैं। एक और भाई हैं, ये भी ऑर्गेनाइज़र हैं इस प्रोग्राम के, इनसे भी बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? राजा सऊद।
राय साहब आप क्या कहेंगे कि हर तरफ देखें तो खवातीन बच्चों के चेहरों पे एक खुशी है, एक बहार यहाँ नजर आ रही है, इस जंगल में मंगल आप लोगों ने बना दिया है, क्या कहेंगे, कितने आपके हौसले बुलंद हुए? सर ये पाकिस्तान के तूल अर्ज में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए मैसेज है कि ये खूबसूरत जो वादियां हैं वो आपका इंतजार कर रही हैं, यहाँ के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग आए यहाँ पे इंजॉय कर, ये एक जगह है जो हमने अभी एक्सप्लोर की है। ये देरकोट टूरिज्म फेस्टिवल जो है वो कोहाला से लेके मंगबजरी तक बहुत सारी जगह है, खूबसूरत जगह है, यहाँ पे होटलिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपके जो रवायती खाना है वो आपको मिलेंगे, लोगों का आपको अखलाक जो 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 रवैया है वो बहुत अच्छा मिलेगा। आप लोग आए यहाँ पे पाकिस्तान के तूल अर्ज से आए, हम आपकी खिदमत के लिए आपको वेलकम करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। कहते हैं कश्मीर है जन्नत, ना जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। तुझको छुड़ाई थी।